मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लोग चैप्टर सिक्स स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है आई हैव अ ड्रीम। व्हाट इज मीनिंग? इसका मीनिंग ये है कि आई हैव अ ड्रीम, मैंने एक सपना देखा है या मेरे पास एक सपना है। इस चैप्टर में मार्टिन लूथर किंग जो कि एक अमेरिकी एक्टिविस्ट रहे हैं, उनकी एक स्पीच आपको दी गई है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। आई हैव अ ड्रीम इज अ 17 मिनट स्पीच, 17 मिनट की ये स्पीच थी जो कि मार्टिन लूथर किंग ने अगस्त 28, 1963 को दी थी फ्रॉम द स्टेप्स ऑफ द लिंकन मेमोरियल, यानी कि लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों से उन्होंने ये जो 17 मिनट की स्पीच है ये दी थी। ये स्पीच बेटा बहुत ही अच्छी है, आप सब प्लीज़ ध्यान से इसको सुने। देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल हु स्टैंड ऑन द वॉर्म थ्रेस होल्ड विच लीड्स इन टू द प्लेस ऑफ पैलेस ऑफ जस्टिस। मार्टिन लूथर जो किंग जो है वो अपने लोगों को, अपने पीपल को एक स्पीच डिलीवर कर रहे हैं और उसमें वो ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरे जितने भी लोग हैं जो इस समय एक ऐसी चौखट पर खड़े हैं जहाँ से पीस का रास्ता खुलता है, जहाँ से शांति का रास्ता खुलता है, मैं उन सबको आज ये सब जो मैं कहना चाहता हूँ वो मैं अपने स्पीच के थ्रू बता रहा हूँ। वी मस्ट फॉर एवर कंडक्ट अवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। वो क्या कहते हैं कि हमें अपने फ्रीडम की जो फाइट है, यानी कि हम अपनी आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे हमें पूरी डिग्निटी से निभाना है और हमेशा डिसिप्लिन में रहना है, यानी कि हमें किसी भी प्रकार की वॉर खड़ी नहीं करनी है। हमें फ्रीडम तो लेनी है बट उसमें हमें डिसिप्लिन और डिग्निटी का पूरा ध्यान रखना है। एंड एज वी वॉक वी मस्ट मेक द प्लेज दैट वी शैल मार्च अहेड। हम आज ये प्लेज लेते हैं कि हम साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। वी कैन नॉट टर्न बैक, देर आर दोज हु आर आस्किंग द डिवोटीज ऑफ सिविल राइट्स व्हेन विल यू बी सेटिस्फाइड। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमसे ये पूछते हैं कि व्हेन यू विल बी सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट कब होंगे। तो मार्टिन लूथर का इसमें जवाब होता है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि कैसे कोई व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है, आप कुछ सोचिए। हमारी लाइफ में बहुत सारी बेटा हमारी नीड्स होती हैं और ह्यूमन नेचर ऐसा होता है जो कभी भी किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होता। तो वो ये कह रहे हैं आई एम नॉट अनमाइंडफुल दैट सम ऑफ यू हैव कम हेयर ऑफ ग्रेट ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशंस, यानी कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ जितने भी लोग हैं वो अलग अलग मुश्किलों को पार करके यहाँ आए हैं, उनकी लाइफ में अलग अलग मुश्किलें होंगी लेकिन फिर भी वो इस फ्रीडम की फाइट में आगे आए हैं। गो बैक टू मिसिसिपी, गो बैक टू अलबामा, गो बैक टू जॉर्जिया, गो बैक टू लुइसियाना, गो बैक टू द स्लम्स एंड गेटोस ऑफ अवर सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज, लेट अस नॉट अलाउड इन द वैली ऑफ डिस्पेयर। यानी कि वो क्या कहते हैं, ये जितने भी शहर और ये जगह के नाम हैं बेटा, मिसिसिपी और मिसिसिपी स्लम्स एरिया, जॉर्जिया, ये सब जगह प्लेसेस के नाम हैं। ये बेटा मैं यहाँ पे आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि मार्टिन लूथर किंग जो हैं उन्होंने नीग्रोस जो होते हैं, वो भी एक नीग्रो थे, नीग्रो से आप समझ सकते हैं जो ब्लैक पीपल होते हैं जिनका रंग, स्किन का कलर जो है वो ब्लैक होता है, और अमेरिका साइड में जो लोग हैं ये इनकी एक बहुत बड़ी वॉर फाइट चल रही होती है कि हमको भी उतने ही इक्वल राइट्स दिए जाएं जितने कि अमेरिका में वाइट पीपल को दिए जाते हैं, उतने ही हम लोगों को भी दिए जाएं। तो इसके बिहाफ में मार्टिन लूथर किंग ने काफ़ी कुछ अलग अलग उन्होंने एक्टिविटीज़ की हैं, वो एक सोशल एक्टिविस्ट थे हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने ये जो स्पीच है इन्होंने दी है, वो अपने लोगों से ये प्लेज ले रहे हैं, ये उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो फाइट है उसमें किसी का नुकसान ना हो, हम नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो, हमारे निग्रोस को इक्वल राइट्स मिले। आई से टू यू टूडे माई फ्रेंड्स दैट इन स्पाइट ऑफ द डिफिकल्टीज एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मोमेंट आई स्टिल हैव अ ड्रीम। वो क्या कहते हैं कि इस सब एटमोसफियर में, इस सब सिनेरियो में भी मेरे पास एक सपना है, आई हैव अ ड्रीम जो मैंने देखा है। इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम, जो कि एक अमेरिकन ड्रीम में जिसकी जड़ें हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे हिज नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग। यानी कि मेरा क्या सपना है कि एक दिन हमारा जो नेशन है, हमारा जो राष्ट्र है वो सही अर्थों में सक्सेस को पाएगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, अ डेजर्ट स्टेट स्वेल्टरिंग विद द हार्ट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म इन टू एन ऑसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। यानी कि मेरा ये सपना है कि मिसिसिपी जैसा देश भी एक दिन जस्टिस को पाएगा, यहाँ भी एक दिन जस्टिस होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा whose governor lips are presently tripped with the words of interposition and nullification will be transformed into a situation where little black boys and black girls will be able to join hands together। यानी कि मेरा ये सपना है
कि अलबामा जैसी सिटी में भी एक दिन ब्लैक बॉयज़ और ब्लैक लिटिल गर्ल्स जो होती हैं वो वाइट बॉयज़ और वाइट लिटिल गर्ल्स यानी कि सभी बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेल सकेंगे, बड़े हो सकेंगे और सभी एक दूसरे के प्रति भाई बहन का सद्भाव रखेंगे। ये उन्होंने अपने जो ड्रीम्स हैं उन्होंने इस स्पीच में डिलीवर किए हैं। दिस इज़ अवर होप, ये हमारी उम्मीद है। एंड इफ अमेरिका इज़ टू बी अ ग्रेट नेशन दिस मस्ट बिकम ट्रू, और अगर अमेरिका कोई ग्रेट नेशन बनना है तो ये सब को हमें सही साबित करना होगा। जो वाइट पीपल हैं उनको ये चीज़ समझना होगी कि ब्लैक पीपल के बिना उन लोगों का भी कुछ नहीं हो पाएगा, वो लोग भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे, अमेरिका एक ग्रेट नेशन नहीं बन पाएगा। क्योंकि अगर किसी भी नेशन को ग्रेट बनाना है तो बेटा हर रिलीजन को, हर क्रीड को, सबको मिलकर सामने आना होता है। किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नेशन में नहीं होना चाहिए, यही बात उन्होंने अपनी स्पीच में डिलीवर की है। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी स्मॉल हिल ऑफ मिसिसिपी, फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, यानी कि हर तरफ से फ्रीडम की आवाज़ आना चाहिए, चाहे वो पहाड़ों से हो, चाहे वो नदियों से हो। When we let freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children. तो अगर हम ऐसा करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब सबको समझ में आ जाएगा कि हम सब भगवान के बच्चे हैं, ब्लैक मैन एंड वाइट मैन, चाहे वो ब्लैक हो चाहे वो वाइट हो, Jews and Gentiles, चाहे वो Jews हो चाहे वो Gentiles हो, Protestant and Catholics, चाहे वो Protestant हो Catholics हो। Protestant Catholics बेटा जो Christian लोग होते हैं उनमें अलग अलग होते हैं ना, Christian के भी दो parts होते हैं, कुछ लोग Protestants होते हैं कुछ लोग Catholics होते हैं। विल बी एबल टू ज्वाइन हैंड्स एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नीग्रो स्पिरिचुअल, हम सभी हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ेंगे और गाने गाएंगे, फ्री एट लास्ट, यानी कि हम सभी एट लास्ट फ्री हो गए हैं, थैंक गॉड ऑलमाइटी वी आर फ्री एट लास्ट, हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम सब फ्री हो गए हैं। तो ये उन्होंने एक 17 मिनट की स्पीच दी थी अपने लोगों को कि हमारी जो फ्रीडम की फाइट है वो शांतिपूर्वक हो, पीसफुली हो और सबको इक्वल राइट्स मिले। जितने वाइट मैन को राइट्स होते हैं अमेरिका जैसे सिटीज़ में, अमेरिका न्यूयॉर्क जैसे सिटीज़ में, मिसिसिपी, जॉर्जिया, वैसे ही नीग्रोज यानी कि ब्लैक पीपल्स को भी उनके राइट्स इक्वली मिले, ये इस स्पीच में बेटा बताया गया है। आई होप बेटा आप सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। मार्टिन लूथर किंग बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट रहे हैं, आप लोग चाहें तो इनके बारे में और भी आपके घर में जो भी आपके पेरेंट्स हैं, आपके बड़े भाई बहन होंगे उनके ज़रिए आप इनके बारे में और जानना चाहें तो आप जान सकते हैं। आप गूगल कीजिए मार्टिन लूथर किंग के बारे में और पढ़िए कि इन्होंने और क्या क्या एक्टिविटीज़ की हैं। ठीक है बेटा, इसके जो वर्ड मीनिंग है और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ये मैं आपको PDF में सेंड करूँगी। ओके, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और अपना वर्क टाइम टू टाइम कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।